मैं तीन ब्रैकेट बनाता हूँ, कहाँ पर अर्निंग्स के अंदर इस समय स्लो डाउन है और हो सकता रहे, कहाँ पर पीक हो चुका है तो हो सकता है आने वाले 2 क्वार्टर्स में जो पिछले 2 क्वार्टर्स थे उतना हाँ ज़्यादा उतनी ज़्यादा हमें ग्रोथ ना देखने को मिले, और कौन सी ऐसी सेक्टर या कौन से ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर 2 क्वार्टर खराब थे पर आने वाले 2 या 3 क्वार्टर अच्छे हो सकते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट IT, वहाँ पर स्लो डाउन है और रहेगा। एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि 2024 फाइनेंशियल ईयर विल बी अ राइट ऑफ फॉर IT, और पहली बार ओके IT कंपनीज ने आकर के एडमिट करा है कि भाई हमें हाँ समस्या है। है और टिपिकली मार्केट इन फैक्टर देखिए, मार्केट में IT स्टॉक्स 1 साल से गिर रहे हैं तो मार्केट को पता था ऐसा होने वाला। IT कंपनीज ने एडमिट नहीं करा, इंफोसिस ने एडमिट ही नहीं करा, पर जब आके उन्होंने एक प्रकार का बम फोड़ा तो उसके बाद मार्केट को झटका और लगा, और ये झटके से रिकवर करने में मुझे लगता है कि 2 क्वार्टर और लगेंगे। तो IT के दो ओके क्वार्टर स्लो हैं, खराब रहेंगे। विप्रो के नतीजे भी ठीक ठाक ही थे, टेक महिंद्रा के नंबर खराब थे। दो तीन IT कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं, बिल्कुल मैं एम्फेसिस और मैस्टेक, मास्टेक बाकी सब मामला ढिलाई था। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ रहेगी मगर ग्रोथ में ढीलापन आ सकता है? थोड़ा सा बैंक्स। बैंक्स का एक पिछला 3-4 क्वार्टर बेहतरीन गया है मगर क्रेडिट ग्रोथ मुझे लग रहा है पीक हो रही है। तो क्रेडिट ग्रोथ जब पीक हो रही है तो इनके अंदर बेस इफेक्ट और स्लो डाउन आ सकता है, तो क्रेडिट ग्रोथ होगी मगर कम होगी। और जब पीक होती है तो सेक्टर के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस होता है वह IT में गिरावट आई थी, बैंक्स के अंदर जो उछाल था मुझे लगता है कि उसके अंदर जो स्पीड है वह कम हो सकती है। कंज्यूमर एंड ऑटोज में मुझे लग रहा है कि बॉटम आउट हो चुकी हैं चीज़ें, भले वो मारुति अच्छा के नंबर्स हो या टाटा का कम्युनिकेशन के नंबर हो, नेस्ले की कॉमेंट्री हो या फिर HUL की, एचयूएल हाँ सब ने आके यही बोला है कि भाई आगे नहीं तो पीछे हमारा बिजनेस ठीक हो रहा है। तो हाँ आने वाला 2-3 क्वार्टर्स मुझे लगता है कि जो रुख रहेगा वो ऊपर रहेगा। देखिए IT यूँ है, बैंक्स यूँ जा रहा था तो यूँ हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ओके और इसके अंदर कंज्यूमर ऑटो के अंदर आपको रिकवरी